राजनगर विधानसभा से भाजपा विधायक अरविंद पटेरिया को एक फर्जी कॉल आया, जिसमें उनको बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़ा पद दिलाने का लालच दिया गया। फर्जी कॉल में ठग खुद को भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली का वरिष्ठ पदाधिकारी बता रहा था। राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने बताया कि उनके मोबाइल नंबर पर अज्ञात मोबाइल से एक व्यक्ति ने कॉल किया, जो अपने आप को भाजपा दिल्ली कार्यालय का वरिष्ठ पदाधिकारी बता रहा था। उसने कॉल पर भाजपा मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण पद दिलाने का प्रलोभन दिया। इसके बाद वह 1 लाख रुपए की मांग करने लगा, जिससे उन्हें संदेह हुआ और विधायक ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे पास एक कॉल आता है और वह कहता है कि मैं राष्ट्रीय कार्यालय से बोल रहा हूँ और आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करिए। तो उसने किसी अन्य व्यक्ति से मेरी बात कराई, मुझे समझ में आ गया कि फ्रॉड है और वह बोले कि ऐसा ऐसा है, मैं कुछ दिनों में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और उसमें तुम्हें कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं और आकर के मेरे से 25 को मिलो, और ये बोला कि इनसे बात करो, इनका कुछ सहयोग करना है। तो किस तरह उस व्यक्ति ने मेरे से कहा कि कहीं कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम में 2 टाइम की भोजन की व्यवस्था करनी है और आप लगभग 80,000 रुपये भिजवा दो। तो मैंने कहा कि ठीक है, और चूँकि फिर मेरे को भरोसा नहीं हुआ और मैं समझ गया कि ये फ्रॉड फोन है, झूठी कॉल है, तो मैंने राजनगर थाने में उसकी FIR कराई। ये कुछ दिन पूर्व राजनगर विधायक श्री अरविंद पटेरिया जी के पास किसी अननोन नंबर से कॉल आया, जिसमें उन्होंने अपने आप को बीजेपी कार्यालय दिल्ली का एक वरिष्ठ अधिकारी बताया, पदाधिकारी, और उन्हें ये कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश के संगठन में एक बड़ा पद दिया जाना है और इसी के एवज में उससे 1 लाख रुपये की मांग की गई है। इसी को आधार बनाते हुए विधायक जी द्वारा स्थाना राजनगर में अपराध कायम कराया गया है। पुलिस ने धारा 419, 420 में FIR ली है और आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।